दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को इनेबल कर सकते हो, जिससे कि आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर पेमेंट सक्सेसफुली कर सकें। सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो आप गाइज, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर डोमेस्टिक यूजर्स के ट्रांजैक्शन को आप लोग इनेबल कर सकते हो, चालू कर सकते हो। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो आप लोगों को एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप लोगों को टॉप राइट साइड में लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लेकर चले जाएगा। सो यहाँ पर आप लोगों को अपनी एम पिन पुट कर लेना है या फिर फिंगरप्रिंट से आप लोग इसको लॉगिन कर पाएंगे। सो यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो 6 डिजिट के एम पिन बनाए हुए होते हैं आपको वही पुट कर लेना है। आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर देख पाएंगे कि मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें थर्ड ऑप्शन एक दिख रहा है क्रेडिट कार्ड का, इस पर आपको क्लिक कर लेना। अब गाइज, आपके सभी क्रेडिट कार्ड यहाँ पर शो करने लग जाते हैं। सो आप लोगों को उस क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर लेना है जिस क्रेडिट कार्ड का आप लोग डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को इनेबल करना चाहते हैं। अब गाइज, आपको ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप लोग बॉटम साइड में देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल सेंटर, इस पर क्लिक कर लेना है। गाइज, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। सो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, लिखा हुआ है डोमेस्टिक यूजेस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप गाइज, आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आप लोगों का डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को आप लोग यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, इस पेज पर आ चुके हैं। सो आपको यहाँ पर देख पाएंगे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन टाइप है ऑनलाइन शॉपिंग, इसके नीचे देखेंगे टैप एंड पे है, इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर ATM ट्रांजेक्शन है और यहाँ पर POS ट्रांजेक्शन है। सो यहाँ पर आप लोगों को जिस भी टाइप के ट्रांजेक्शन को इनेबल करना है, सो उसके सामने आपको एक सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लेंगे सो वह इनेबल हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे टैप एंड पे यहाँ पर इनेबल है और इसके नीचे देखेंगे ATM लिखा हुआ है, सो ये बंद है, ऑफ है। सो जिस भी टाइप के ट्रांजेक्शन के सामने आप लोगों को इनेबल देखना है, सो यहाँ पर पिंक कलर का वो रहता है और जो इनेबल नहीं है उसके सामने का आइकॉन आपको ब्लैक कलर में दिखता है। सो आप लोगों को जिस भी टाइप के ट्रांजैक्शन को इनेबल करना है कि आपके क्रेडिट कार्ड से उस टाइप का ट्रांजैक्शन हो पाए, सो आप लोगों को वो सभी ट्रांजैक्शन के टाइप को इनेबल कर लेना है और लिमिट सेट कर लेना है कि इस टाइप का ट्रांजैक्शन इतने लिमिट से ज्यादा का ट्रांजैक्शन ना हो पाए। सो यहाँ पर सब कुछ आप लोग अपने लिमिट सेट कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज, आप लोगों को यहाँ पर अपनी 6 डिजिट की एम पिन को यहाँ पर पुट कर लेना है और नीचे कन्फर्म बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज, आप लोग देख पाएंगे कि राइट का सिम्बॉल ग्रीन कलर का यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पर लिमिट मॉडिफाई सक्सेसफुली हो चुकी है। सो आप लोगों ने जिस टाइप के ट्रांजैक्शन को इनेबल या डिसेबल किया है और जितने लिमिट सेट किया है, सो आप लोग उतने लिमिट का ट्रांजैक्शन आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे। सो गाइस, ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से अपने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को इनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।